बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की ये वीडियो एक अहम टॉपिक पर है। जी हाँ, एक अहम टॉपिक पर। वैसे तो जाहिरी बात है कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज मैं किस मौजू पर बात करने लगा हूँ, क्योंकि टाइटल और थंबनेल देखकर ही आप वीडियो देखने आए हैं। आज की ये वीडियो बनाने का असल मकसद सिर्फ ये था कि वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में तंग होकर बैठे हैं, या वो लोग जो ज़िंदगी से हार कर बैठे हैं, उनमें ये जज्बा पैदा करना या उनमें ये जुनून पैदा करना कि कभी हिम्मत मत हारो। चलें आज की इस वीडियो का आगाज अंग्रेजी के एक मशहूर जुमले से करते हैं। आप लोगों ने सुना तो होगा कि अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। इस जुमले का मतलब ये है कि उरूज और जवाल जिंदगी का हिस्सा है। अगर मैं आपको और आसान अल्फाज में समझाऊं तो इस जुमले का मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में खुशी का आना, गम का आना या दुख का आना, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। हमारी जिंदगी के कई मौकों पर हमें बहुत सी खुशियां मिलती हैं जिन पर हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो बहुत से दुख भी आते हैं। हम जब कुछ अचीव करते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसके बरक्स जब हम कुछ लूज करते हैं या जिंदगी के किसी मौके पर हारते हैं तो हम नाउमीद होकर बैठ जाते हैं। ये नाउमीदी हमारा वक्त जाया करती है और हमें बिल्कुल मायूस कर देती है। इस नाउमीदी की जिंदगी में हम खुद को बिल्कुल बेकार कर देते हैं और कुछ करने के काबिल नहीं रहते। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे कई लोग भी देखे हैं जो कि मल्टी टैलेंटेड होकर भी खुद को मायूसी की जिंदगी से गुजार रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम स्टूडेंट्स को ही ले लेते हैं जो कि एग्जाम्स में फेल होने के बाद स्टडी छोड़ देते हैं या खुद को मायूस कर लेते हैं। वो स्टूडेंट जो अपनी पिछली क्लासेस में टॉपर रहा, एक ही बार फेल होने की वजह से खुद को बेमकसद और मायूस बना लेता है। स्टूडेंट को चाहिए कि वो हिम्मत ना हारे, इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम कर ले। ये जज्बा आज के स्टूडेंट में होना बहुत जरूरी है। हमने हिम्मत नहीं हारनी, हमने जिंदगी की मुसीबतों से हारना नहीं है, बल्कि इन चैलेंजेस को फेस करना है और इनसे लड़ना है। आप ये चीज नोट करें, जब आप इन चैलेंजेस को फेस करेंगे और इन चैलेंजेस से लड़ेंगे तो आप और ज्यादा मजबूत होंगे। जिंदगी में कोई भी मोड़ क्यों ना आए, कोई भी मुसीबत क्यों ना आए, चाहे लोग आपको कहें कि तुम गलत हो, तुम किसी काबिल नहीं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी और अपने गोल पर फोकस करते रहना है। याद रखिएगा, अल्लाह पाक किसी की भी मेहनत को जाया नहीं जाने देते। अगर तुम अपने टारगेट पर फोकस कर रहे हो और कोशिश कर रहे हो तो मुझसे लिख कर ले लो कि अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब जरूर करेगा। आज हम बड़े से बड़े अमीर आदमी को देखते हैं, हम देखते हैं कि वो आज अयाशी की जिंदगी गुजार रहे हैं और बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उनकी सक्सेस के पीछे कितनी बड़ी मेहनत थी, उन्होंने कितनी मेहनत की और सिर्फ वो इस वजह से कामयाब हुए कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो लगे रहे, डटे रहे और एट द एंड सक्सेसफुल हुए। याद रखें एक बात, फेलियर भी लाइफ का हिस्सा है। आप उस वक्त तक कुछ सीखते नहीं जब तक कि आप फेल ना हो जाओ। मेरे नजदीक तो फेल होना आपके इल्म में इजाफा करता है और आपको इस काबिल बनाता है कि आप अपने काम को और अच्छे तरीके से पूरा करें। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हमें ये पता चलता है कि अल्लाह पाक मेहनती लोगों को पसंद करते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि मेहनती अल्लाह का दोस्त है। खुद को मायूसी की तरफ जाने ही ना दें, अपना माइंडसेट ऐसा करें कि अगर आप कहीं हारें तो भी आप उस चीज को एक्सेप्ट करें, ना कि नाउमीदी की तरफ जाएं और नाउमीद होकर बैठ जाएं। उसके बाद आपको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप दोबारा उठ खड़े हों और अपनी हिम्मत को और मजबूत करें। ना सोचें लोग क्या कह रहे हैं, बस अपने टारगेट पर काम करते रहो और अगेन हिम्मत ना हारो। उम्मीद करता हूं मैं आप तक सही तरह अपनी बात पहुंचा सका हूं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें एंड सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।